चलिए अब रुक करते हैं सीधा देहरादून का, जहां से हमारे संवाददाता, माफ कीजिएगा, ब्यूरो चीफ योगेश सैनी हमारे साथ जुड़ेंगे इस एक बड़ी खबर पर। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी के पक्ष में जनसभा को करेंगे संबोधित। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां भाजपा प्रत्याशी वैनांगना चमोली में आयोजित होगी विशाल जनसभा। शाम 4 बजे विकास भवन पौड़ी पहुंचेंगे सीएम धामी। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां सीएम धामी जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक लेंगे। चमोली और पौड़ी जनपद के दौरे पर आज सीएम धामी रहने वाले हैं। शाम 4 बजे विकास भवन पौड़ी पहुंचेंगे सीएम धामी। बता दें सीएम धामी भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। बैरांगना चमोली में आयोजित ये जनसभा होगी। शाम 4 बजे विकास भवन पौड़ी पहुंचेंगे सीएम धामी। जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी लेंगे। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां सीएम धामी आज पौड़ी के दौरे पर रहने वाले, जहां विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। शाम 4 बजे विकास भवन पौड़ी पहुंचेंगे सीएम धामी। चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए सीधे जुड़ते हैं हमारे ब्यूरो चीफ योगेश सैनी से। जी योगेश जी, आज सीएम धामी पौड़ी और चमोली के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां वो विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, साथ ही अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे, इसको लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए मधु, आपको बताया कि आज सीएम धामी का सबसे पहले तो कार्यक्रम चमोली जनपद में है, जहां पर बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। तो इस चुनाव को लेकर के ये इनकी चुनावी जनसभा होनी है। कल मुख्यमंत्री सुशील सिंह धामी यहाँ पर पहुंच गए थे, जिसके बाद उन्होंने सबसे पहले तो भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और चुनाव की समीक्षा भी यहाँ पर की है कि किस तरीके के समीकरण रहने वाले हैं बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर। क्योंकि बद्रीनाथ विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर राजेंद्र भंडारी चुनावी मैदान में है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। राजेंद्र भंडारी इससे पहले कांग्रेस से विधायक रहे हैं और वो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का दामन छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे और भारतीय जनता पार्टी ने अब उनको उस चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया है और दोबारा से वो विधानसभा का चुनाव यहाँ पर लड़ रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें जो कांग्रेस से है, कांग्रेस के जो प्रत्याशी है बुटोला, वो यहाँ पर चुनावी मैदान में है और जो भारतीय जनता पार्टी को पूरे तरीके से यहाँ पर कड़ी टक्कर यहाँ पर दे रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद चुनावी मैदान में यहाँ पर चुनावी प्रचार में उतरे हुए हैं और लगातार उनके द्वारा ये चुनाव प्रचार अभियान यहाँ पर किया जा रहा है, जिसके चलते आज भी एक विशाल जनसभा यहाँ पर होने जा रही है, जिसमें पार्टी के कई बड़े पदाधिकारी भी यहाँ पर मौजूद होंगे और लंबे समय से जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं धन सिंह रावत, वो भी डेरा डाले हुए हैं बद्रीनाथ विधानसभा सीट को लेकर के। क्योंकि 2 सीटों पर चुनाव होना है उपचुनाव, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत यहाँ पर अपनी झोंक दी गई है और कांग्रेस भी इन 2 विधानसभा सीटों पर जीत को लेकर के कड़ी मशक्कत करती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी सीट की अगर हम बात करें विधानसभा की, तो मंगलौर विधानसभा सीट है, जहां पर जो प्रत्याशी थे उनकी मृत्यु हो गई थी, उसके बाद यहां पर उपचुनाव होना सुनिश्चित किया गया है। यहां भी चुनावी मैदान में जो घमासान देखा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के बीच में कड़ा मुकाबला यहां पर देखा जा रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है वो चमोली के बाद उनका पौड़ी जनपद मुख्यालय में उनके कार्यक्रम होंगे, जहां पर वो जनसभा को संबोधित करने के साथ ही विकास भवन में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी लेंगे अधिकारियों के साथ बैठ करके, जिसमें जो जनपद मुख्यालय से जुड़े हुए जितने भी विकास कार्य हैं उनको लेकर के वो चर्चाएं करेंगे। जो लंबे समय से लंबित पड़े हुए कार्य हैं उनको लेकर के भी वो निर्देश यहाँ पर अधिकारियों को देने वाले हैं। इसके अलावा आपको बताएं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जो प्रदेश में जो आपदा आ रही है, जो लगातार बारिश के कारण जिस तरीके से आपदा आ रही है उसको लेकर के लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आज भी उन्होंने सुबह की जो कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत इन सभी जिलों के जिलाधिकारियों से वार्ता की और वहां का जो हालात है आपदा से, जिस तरीके से जो हालात वहां पर बने हुए हैं, कितने मार्ग वहां पर बंद हैं, उनको खोलने की क्या व्यवस्थाएं हैं,
इसके अलावा जो जिन लोगों के घर टूट गए हैं उन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की क्या की जा रही है, जल भराव के चलते जो दिक्कतें आ रही हैं उसको लेकर के क्या व्यवस्थाएं हैं, तो ये सभी चीजों को लेकर के मुख्यमंत्री ने आज यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों को यहाँ पर कई निर्देश भी यहाँ पर दिए हैं, ताकि आपको बताएं कि आपदा जिस तरीके से लगातार आती जा रही है इस आपदा को लेकर के मॉनिटरिंग भी हो रही है और पूरी तरीके से एनडीआरएफ और एनसीआरएफ की टीम लगातार यहाँ पर जुटी हुई है। जी जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी।